हमारी यूथ तुक्के लगाने और सट्टेबाजी में इन क्लाइंट जनरेशन वाई एन जी जो यंग लोग हैं क्रिप्टो में पैसा लगाया और मेजोरिटी ने डुबाया लालच बुरी बला है हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हम आपको बेसिक विजडम बता रहे हैं कि आपको ये जरूरी है करना क्रिप्टो के जो मिलियन है ना वो बन चुका है स्टार्टअप ऑफ दिस कंपनी एंड द वे यू आर डूइंग दिस वर्क ए एक पान के खोखे वाले को पता है किस तरह स्टॉक में अकाउंट खुलवाना है और एजेंटशिप लेके बैठा हुआ है बड़े से बड़े ब्रोकर के पंद्रह सोलह हजार क्लाइंट्स हैं

पे लगाने हैं स्टार्टअप पाकिस्तान से आपको एक लेसन सीखना है फोकस अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आपका मेजबान नदील अज़र आपकी ख़िदमत में हाजिर है भाई हमारे स्टूडियो में आज एक बड़े होनेहार से आ, जो है वो यहाँ पर हमारे Uh, दोस्त बैठे हुए हैं और uh, इनके साथ बड़ी मजेदार बातें होने वाली हैं स्पेशली वील टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स वील टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट माइंड क्या डिफरेंस होता है एक बंदे का जो अपने पैसे देखिए पैसे बहुत सारे लोग बचाते हैं लेकिन कुछ लोग बचा के अपनी जो है वो अलमारी में रख लेते हैं करंट अकाउंट में रख लेते हैं कोई पाकिस्तान में तो बिस्तर के नीचे और फोम के नीचे और गद्दे और अपने जो है ना वो तक तकिया खिलाफ में छुपा कर रखते हैं बट कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं सो विल टॉक अ बिट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ये भी बात रहेगी और काफ़ी सारी मुताफरक का अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं तो सो मेरी टॉपिक्स दैट केम टू माई माइंड इट्स गोइंग टू बी गुड एजुकेशन टूडे सो अगर आप वाकई ये इन्वेस्टमेंट माइंड डेवलप करना चाहते हैं स्टॉक uh, मार्केट हुआ मनी मार्केट हुई बॉन्ड्स uh, हुए ये सारी चीज़ें रियल स्टेट हुआ ये सब जानना चाहते हैं तो इस पर बड़ी मज़ेदार गुफ्तु होगी एंड वी हैव गॉट दिस यंग मैन हेयर जो कि पिछले कई साल से बल्कि ऑलमोस्ट डेकेड एंड हाफ ही हैज़ बी बीज बीन लुकिंग इन टू दीज मार्केट्स एंड ऑल सो लेट मी वेलकम बाकर जाफरी हु इज द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर लाउच अलैक सलाम वाईक थैंक यू वेरी मच इट्स नीड एंड ऑनर टू बी टूर थैंक यू सो मच जी दी प्रेजर इज आर आपने जो है वो टाइम निकाला हमारे लिए

आसान अल्फाज में अगर आपको इन्वेस्टिंग स्किल्स बिल्ड करनी है लेट्स ए जनरेशन वाई एन जी जो यंग लोग हैं जो पैसा अपना क्रिप्टो में डुबा चुके हैं और लेवरेज uh -huh. में इन्वेस्ट कर चुके हैं right. और अब सोचते हैं कि हमने असल में इन्वेस्टमेंट को सीखना है अगर हमें पहले अगर इसकी स्किल्स को जानना है प्रॉपरली hmm. तो हमें पहले तीन चार स्टेप्स कौन से लेने चाहिए सो दे शुड कम टू इन्वेस्टर्स लॉन्च टू लर्न द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग राइट जबरदस्त सो आपने कोई कुछ मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं लेक्चर्स होते हैं क्लासरूम टाइप सेटअप होता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्या असल सो इट्स अ हाइब्रिड मॉडल से टू की स्टेप्स जो जब के हर पाकिस्तानियों को लेने चाहिए जब वो इन्वेस्टमेंट्स को देखें uh -huh. सबसे पहले तो सीखें लर्न अबाउट इट देन अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं एक्टिवलीट okay. से अगर आठ से नौ मिलियन लोगों ने पाकिस्तान में जैन वाई एन जी ने क्रिप्टो में पैसा लगाया राइट right. और मेजोरिटी ने डुबाया hmm. तो उन्होंने वो पहला स्टेप सम्भाव मिस कर दिया लर्निंग का ठीक है और अपने माँ बाप के चाचा पप्पा ताया के पैसे उधार पे फोर्टी ah. मार्जिन पे लगा के डुबा दिए सास के बिल्कुल सास के भी पैसे डुबा दिए है बहुत सारी सासों के एक्चुअली डूबे हैं पे पैसे बिकॉज हाँ, <laughs> वो एक एक इसका एक इसका क्रेज है मतलब एसेट yeah, क्लासेस right. yeah. जो इंसान के जो है ना इमोशंस को उभारती हैं hmm. और आपके अंदर को लालच को जो है ना परवान चढ़ाती है तो मार्जिन वाली एक चीज है जो हम क्रिप्टो की बात करें हर एसेट क्लास में जो मार्जिन है right. वो लेते हुए लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश में हम इसमें इन्वेस्ट कर दें राइट हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि आप पहले तो सीखें कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, right. आपकी एज और रिस्क के हिसाब से आपको क्या चीज अलाउ करनी चाहिए See. क्या चीज आपको देखना नहीं चाहिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि पाकिस्तान में मिसिंग था और यहां से हम पकड़ के आपको बेसिक इन्वेस्टिंग स्किल्स सिखाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं सिम्यूटर में बेहतरीन अच्छा सिम्यूलेटर्स में आखिर में क्या तो बात बोल दी सिमुलेटर तो वो होता है ना जब मैं देखता हूँ फ्लाइट सिमुलेटर होता है जहाज उड़ाना सिखाते हैं तो आप आप उसमें तो यानी कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस बिल्ड करते हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनको अपना रिटर्न नजर आता है जी लोगों ने असल में जो है वो अपने और दूसरों के पैसे जहाज की तरह ही उड़ाए हैं तो उसके बाद जो है अगर आप दुनिया भर में देखें तो इन्वेस्टमेंट्स को देखा ऐसे जाता है कि ये एक सीरियस बिजनेस है और सीरियस डिसीजन है जिसका जिसके जो फैसले हैं इसके ऊपर आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तबिल का दारो मदार है लेकिन जब आप कमा रहे होते हैं मैं नहीं यंग आप उस सोचते ही नहीं है right. कि आया इसकी क्या अहमियत है बोलते ना ठीक है यार लगा दिया आज दो लाख बचे थे मैंने आज ये लगा दो चलो इस पर सट्टा खेलते हैं थीक. चलो लेट से कोई स्टॉक आ गया ए बी सी वो दो रुपए का है किसी ने कॉल की ब्रोकर ने कि भाई लगाओ इसको तीन रुपए का हो जाएगा इसकी ये अनाउंसमेंट आने वाली लगा दो यार थ्री मार्जिन के ऊपर बिल्कुल तो ये जो माइंड है ना इसको हम कहते हैं कि पहले सिमेलेटर में लगा के जरा देखो क्या होता है true. तो जब वो दस, जब वो वो सैंपल सेट बढ़ाते हैं पच्चीस से तीस ऐसी लेते हैं और नुकसान अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो सिम्यटर में पता लगता है कि अगर असली मार्केट में मैं लगाता तो मेरा क्या हाल होता बिल्कुल तो दैट दैट इज वाई दिम्यशन कॉन्सेप्ट एक्चुअली हेल्प्स यंग जनरेशन टू लर्न एंड प्रैक्टिस और नॉट जस्ट यंग बाय द वे दिल पाकिस्तान में हमने भी लास्ट uh, ईयर अब चार्ट अकाउंटेंट्स जो हैं जो आई कैब से वाबस्ता हैं राइट right. एक हजार चार अकाउंटेंट्स को हमने सिमुलेटर के थ्रू गुजारा और उनका प्रोग्राम्स को कराया right. और वी फाउंड आउट दैट इवन द टॉप क्वालिटी चार्ड अकाउंटेंट्स उसमें भी एक मेजोरिटी है जिन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए मार्केट्स सो पाकिस्तान में ये इशू इतना बड़ा है कि आप जितने भी देखें आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक तरफ hmm. और लाइफ स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स दूसरी तरफ बहुत प्यारी बात क्योंकि अगर आप स्कूल में भी देखें तो हमने स्कूलिंग में से से लेट मी गिव यू एन दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर बिल्कुल ऐसे। अभी वो बैच स्टार्ट करने वाले हैं उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हमें इन स्किल्स के ऊपर इन खास स्किल्स रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग ए आई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर स्टार्टअप्स चाहिए तो आप इसकी तरफ रुझान दें अब दूसरा सवाल लेके आप स्कूल में आ जाएं कि क्या इनमें से कोई भी एक स्किल है जो पाकिस्तान में स्कूल पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते तो हो क्या रहा है ऐसी यूनिवर्सिटी का भी हाल है जो मार्केट में डिमांड है और जो स्किल्स हैं कोर जो इस्तेमाल होती हैं एक अलग वो एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं ये एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फोकस हम ये करते हैं कि भाई ये जो आपकी डायरेक्शन है ना और ये चीज़ जो स्किल सेट है ये चाहे आप एकेडमिकली या प्रोफेशनली कहीं भी निकल जाए ये सीखना लाजिम व मलजूम है तो दैट्स वेयर वी आर डिफरेंट दैट इज दैट इज ब्रिलियंट और जाहिर है बा मैं आपकी तरह बहुत ही फार्मोलाइज अंदाज़ में तो ये काम नहीं करता लेकिन अपने रेडियो शो के थ्रू या थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स के साथ खास तौर से इन्वेस्टमेंट्स की कुछ मैं कहूँगा तबलीग ज़रूर कर माई सेल्फ सेविंग एवेंजलिस्ट कि यार लोगों को ये बात बताई जाए कि यार इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपने अपनी इस इब्तारी टॉक में अच्छा हम कोशिश ये करते हैं कि हम कोई बहुत ही शायद मैं तो समझ जाऊंगा जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत आसान में आपने मार्जिन का जिक्र किया सो आई अंडरस्टैंड कि जी मैं किसी से बोरोइंग करके जो है मैं चीजें इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ जो बहुत खतरनाक चीज होती है अपना पैसा लगाना चाहिए मार्केट में एक तो रूल नंबर वन याद रखिए बल्कि हम आगे चल के थोड़े से रूल्स बनाते भी हैं ड्यूरिंग है कन्वर्सेशन सो इन्वेस्ट योर ओन मनी डोंट बोरो इन दैट्स आवर रूल नंबर मानी Uh, बाकर आपने दो दफ़ा uh, uh, जो है वो क्रिप्टो का ज़िक्र किया है अपनी स्टार्टिंग टॉक में ही और आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर सेग इट बिकॉज हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए क्रिप्टो एक कोई बड़ी कोई जादू का चिराग है मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँगा और मैं कुछ दिनों में यानी मैं ऐसे ऐसी मेरे पास भी अनबिलीवेबल कॉल्स आती थी अदिल भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट mm -hmm. कर दें बताएँ mm -hmm. क्रिप्टो अच्छा मैं ऑनेस्टली हाथ पीछे हटा लेता हूँ बिकॉज आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो और मैं लोगों को एक बात ये समझाता हूँ कि क्रिप्टो के जो मिलियन एयर्स थे ना वो बन चुके हैं आप अब लगाड़ हैं आप तो कम मारेंगे अभी कुछ दिनों पहले क्रिप्टो एट थर्टी एट नाउ इट इज सिटिंग एट फिफ्टी टू फिफ्टी फोर लेकिन थर्टी एट पर कितने लोग घुसे होंगे जो इस वक्त जो है वो चौवन इन्जॉय कर रहे होंगे थाउजेंड डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ सो Why, uh, crypto के हवाले से जरा बात कर वो वट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन या आपने लोगों का क्या बिहेवियर नोट किया है यंग का वाई इज यूथ सो इनक्लाइन टूवर्ड्स क्रिप्टो देखिए यूथ जो है लेट्स टैकल दिस प्रॉब्लम एट ए लार्जर लेवल हमारी यूथ तुक्के लगाने mm -hmm. और सट्टेबाजी में सॉरी इनक्लाइंड है mm -hmm. let's say. जहां पर कहीं वैक्यूम होता है mm -hmm. वो कोई चीज उसकी जगह ले लेती है ठीक है, नॉट जस्ट क्रिप्टो इस मार्केट में उधार के पैसों को लेकर लेट्स एक लाख आपका है राइट right. और उस पर आपने एक करोड़ की पोजिशन ली हंड्रेड एक्स लेवरेज के ऊपर wow. वो ली और वो एक परसेंट नीचे हो गई आपका अकाउंट उड़ गया Sorry. ऐसी हजारों केस स्टडीज हैं जो कि लोगों ने फ़ॉरेक्स में उड़ाएं सो नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्रिप्टो लेट्स टॉक अबाउट एट अ लार्जर लेवल दैट पीपल हाउ पीपल परसीव इन्वेस्टिंग तो लोगों का इन्वेस्टिंग को समझने का जाविया ही ऊपर से बिगड़ा हुआ है सही उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूथ जनरली जब ग्रो होती हैं तो चार के ढाबे पे बैठ के चार बातों में ये एक बात होती है भाई तेरा कौन सा क्वाइन है <laughs> तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है उसका वाइट पेपर पढ़ा तुमने सही अच्छा ये सब कर लेते हैं अब 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 आप डायमेंशन सुने इतनी अकल आ गई है कि यार मैं इस पर मार्जिन पर लूँ हो सकता है मैं तुक्के लग जाए अब्बू के पैसे लेगा दूसरी तरफ अगर यही यूनिवर्सिटी का डिसीजन हो hmm. तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ आई a good अ गुड फ्रेंड विद professor प्रोफेसर एट university, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है उसने बताया हम लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं हम रिसेप्शनिस्ट बिठा देते हैं और पीछे से बोल देते हैं कि ये प्रोग्राम की सीटें फिल करनी है सही. सही है अब वो तीन दिन शुरू के लगे एडमिशन खुले बैनर लगे हुए हैं बिल्कुल शादी हॉल की तरह मार्केट होती है एजुकेशन की ना okay. बिल्कुल रोडों के ऊपर बैनर आपने देखा हो यूनिवर्सिटीज़ के लगे हुए पार्टी चल रही है कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं बिल्कुल एक अलग ही डायमेंशन है वही स्टूडेंट जो वाइट पेपर पढ़ रहा था क्रिप्टो का ना मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ स्टोरी और बता रहा था कि यार ये नहीं यहाँ नहीं लगाना मुझे यहाँ लगाना है थर्टी एक्स मार्जन लूँगा बस यार देखते हैं कुछ होगा सही सही है ना और दिन रात लगा हुआ था और अब को बता नहीं रहा था क्या सूरत है हाल पोर्टफोलियो की वही बच्चा जब यूनिवर्सिटी एडमिशन में जाता है तो रिसेप्शनिस्ट खातून बोलती है कि आप ऐसा कीजिए इस पे फील्ड में नहीं इस फील्ड में ले लीजिए बिकॉज hmm. इसका स्कोप ज्यादा है तो वो तीन दोस्तों की तरफ देखता है उसमें से एक बोलता है यार मैं तो ले रहा हूं इस फील्ड में so, तो तीनों के तीनों बोलते हैं हाँ हम भी ले रहे हैं है। इतनी क्रूड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर फ्यूचर अबाउट द फ्यूचर जिसके ऊपर आपके माँ बाप ने अभी लाखों दो तीन मिलियन रुपए लगाने हैं एंड right. इतनी स्ट्रॉन्ग मजे अबाउट अ वाइट पेपर ऑफ अबाउट अ शिट कॉइन वाइट पेपर दैट यूर गोइंग थ्रू सो आप कोई चीज कोई डिस्पैरिटी देख रहे हैं वेन दे जहाँ वैक्यूम है ना कोई ना कोई चीज ऑक्यूपाई करेगी और पहली चीज जो आपकी साइकोलॉजी में ऑक्यूपाई करेगी वो करेगी लालच ग्रीड बिल्कुल चाहे वो क्रिप्टो में हो इवन स्टॉक्स के अंदर हो या फिर किसी और ऐसे क्लास में जब ग्रीड ड्राइव करेगी आपको yeah. और बेसिक लर्निंग नहीं लेंगे तो आप गलत फैसले ही करेंगे दैट्स अर इशू सो गोल्डन रूल नंबर टू ग्रीड इज दी ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट लालच बुरी बला है याद रखिएगा हम सिंधी में पढ़ते रहे उसमें चैप्टर भी था हमारा लालच बोली बला है हमारा चैप्टर हुआ करता था मुझे याद अभी याद आ गया सो so, अब थोड़ा सा एक और चीज़ की तरफ आते हैं नौजवानों में क्रिप्टो और पाकिस्तानी जो मिडिल एज और जो ओल्ड एज है दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट रियल इस्टेट एंड बाकर लोगों की जिंदगी का मकसद ये होता है कि यार मेरा कोई प्लॉट बन जाए या मेरा कोई घर बन जाए और लोग बाज़ अपनी जिंदगी भर की सेविंग जमा पूंजी कैश जो है वो उठा के कहीं किसी प्लॉट में लगा देते हैं पैसा uh, इस वक्त पीपल आर सफरिंग जिन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया था बिकॉज आई थिंक हम कह सकते हैं कि अगर बबल बर्स्ट नहीं हुआ तो कम अज़ कम इट्स स्ट्रगलिंग द प्राइस आर आर नॉट देयर स्पेशली जिन्होंने पिछले तीन चार साल पहले इन्वेस्ट किया था सो वॉट इज वाट इज सो अट्रैक्टिव अबाउट रियल स्टेट ये भी तो एक तरह का आप देखें कि कुछ वो क्रिप्टो माइंड सेट ही है वहाँ पर देखिए हाँ एन नहीं बहुत ग्रीड यस क्रिप्टो माइंडसेट है पिछले right. तीन साल पहले मार्केट पीक आउट हुई हुई थी इकोनॉमी right. एग्जॉस्टेड थी इंटरेस्ट रेट लोअर साइड के ऊपर थे इन्फ्लेशन पिकअप होना शुरू हो गई थी एंड वी न्यू कि यहाँ पर डेट सर्विसिंग खड़ी हुई है इकानमी में स्क्ज आएगा डेट क्रेडिट क्रेडिट सुखड़ेगा ठीक है ठीक है जब क्रेडिट सुखड़ता है इकोनॉमी में तो तमाम तरह एसेट क्लासेस की प्राइसेस जो है वो उनकी गिरती हैं राइट right. तो रियल इस्टेट की भी गिरी तीन साल का मैं आपको खास दे रहा हूँ जिससे आपने बताया तो हमने देखा कि नीचे आई लेकिन चूंकि मार्केट थोड़ी सी इलिक्विड है तो प्राइसेस गिरती भी आपको दिखती नहीं है mm -hmm. तो वो एक तरह से डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन लगती है आपको जब तक आपने बेचना नहीं है राइट right. और आपको होता ही है कि यार प्लॉट है ना प्लॉट की कीमत क्यों पूछ रहे हो भाई hmm. बेचना थोड़ी है मुझे ठीक. ये बेचने के लिए थोड़ी लिया है ये बच्चों है, के लिए लिया बिल्कुल ये बच्चों के लिए लिया है ये तो इसकी शादी होगी तो फिर मैं बेचूंगा उससे शादी कर दूंगा और ये कर दूंगा इस तरह की चीजें होती है ओवर द लॉन्ग टर्म जिस इकोनॉमी के अंदर जिस एसेट क्लास के अंदर आपने लकीूना छोड़ दिया या टैक्स बचाने का या ब्लैक मनी पार्क करने का रूम छोड़ दिया वो एसेट क्लास बबल बन जाएगा दिल्कुन तो क्रिप्टो अगर आप रियल इस्टेट के बारे में देखें तो रियल इस्टेट में जो बबल है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बना और टैक्स बचाने का बना और वहाँ पे उसके पार्क करने का बना ठीक है तो अब लोग क्यों फैंटिसाइज करते हैं रियल स्टेट देखिए लोग लोग बेवकूफ नहीं है आई वुड से मैं आज आपको कहू ना कि एक एसेट क्लास है जो पिछले 20 साल में ऑन एवरेज आपको 17 से 18 फीसद रिटर्न दे रही है ठीक है ऑन एवरेज और रिलेटिवली स्टेबल रही है डाउन साइड प्रोटेक्शन है जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आता है एक दो साल की आपकी इकोनॉमी छोटी है एक दो साल के साइकिल जाते हैं फिर फट जाती है बिल्कुल सब चीजें गिर जाती है धड़ाम से ठीक लेकिन वो रियल इस्टेट की क्लासे इतनी नहीं गिरती right. और वापस आती है और फिर ग्रो करना शुरू कर देती है तो आप क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे no, आप उसी एक क्लास में में डीएचए बैठे हुए जिसका 20 साल का रिटर्न ऑन एवरेज जो है वो 17 से अठारह फीसद बेवकूफ नहीं है mm -hmm. हाँ जब पैसा कम फ्लो होगा और इट्स इट्स मोर ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट जब एसेट क्लास के रिटर्न्स को रैशनलाइज करवाएगी मुराद ये कि उनको एट पार देखेगी जैसे रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड लेवल प्लेइंग फील्ड जब लेकर आएगी right. तो आप देखेंगे सबके रिटर्न्स नॉर्मलाइज होंगे ठीक लेकिन लोग किसी वजह से हाँ रियल इस्टेट का मतलब ये नहीं है कि हर चीज डीएच है आजी. अगर आप लट से भैरिया में डाल के बहुत से लोग फंसे या दूसरी अनडॉक्यूमेंटेड बिल्कुल ऐसी इसमें बड़ा इशू होता बताऊ क्या है आदिल भाई बड़ा इशू यह है कि लोग रियल इस्टेट को के डिसीजन को ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है ना जनरल स्टोर पर जाके आइसक्रीम की कौन लेकर आना इतना आसान समझते हैं hmm. लोगों को ये परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी कि कोई भी चलता फिरता आता है सर ये फाइल ले लें hmm. बढ़ जाएगी Say. आपने क्या करना है पैसे आए हैं डाल लें पार्क कर लें तीन महीने में घुमा देंगे फाइल राइट right. ये ये सेलिंग होती है ना ट्रिक सर इसको लेके आप रख लें अब लंबा चलेगी आप देखें ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला ये देखें ये अप्रूवल कल मिल जाएगा इनको आप ले लें तो आपने उसको कौन की तरह ले लिया मोस्टली लोग जो फंसे हैं वो बेचारे यहां फंसे हैं अनडॉक्यूमेंटेड सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कागजात जाली हैं right. तो एक मेजोरिटी है जो यहां पे आके फंस गई है रियल hmm. इस्टेट के रिटर्न रैशनलाइज होंगे जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी See. बहुत ज्यादा एक्सॉर्बेड रिटर्न्स नहीं होंगे right. प्लस इसका एक कल्चरल मसला भी है कि हर कोई जो है वो जनरेशनल पास ऑन करना चाहता है hmm. कि हाँ अच्छा बड़ी मदे की बात की आपने एक चीज जो उससे बेहतर है रियल इस्टेट hmm. से वो है कि आप अपनी जनरेशन को बिजनेस पास ऑन कर दें hmm. आप कोई कारोबार करें right. छोटा भी करें hmm. वो पास ऑन कर दें Cheek. आप कोई से आप कोई धंधा ही बेसिक दुकान ही लगा लें hmm. वो अपनी जनरेशन को पास ऑन कर दें जो कैश फ्लो आपके जनरेट करता रहे एक हायर रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर दैट्स दैट्स अ वेरी 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 वैलिड पॉइंट के कोई ऐसी चीज छोड़ के जाएं आप जो कि कैश फ्लो जनरेट करता रहे और जो प्लॉट का जो बहुत बड़ा मसला है बाकर वो यही है इट डज़ नॉट जनरेट एनी कैश फ्लो आपने आज वो पैसा दस साल पहले पैसा लगा दिया था वो प्लॉट आज तक उसने आपको एक रुपया यू आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल गेन दैट शू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट हावेवर बाकर इसमें अक्सर मैं भी लोगों से जो बात कर रहा हूँ तो उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ येस जिस टैक्सीशन वाला जो बेनिफिट है ये रियल इस्टेट का बहुत बड़ा बेनिफिट है हावेवर डू यू थिंक के पाकिस्तान नाउ इज सिटिंग ऑन द कस्ब ऑफ अ नदर आई एम एफ प्रोग्राम आप माशा इक्नॉमिक के मैटर्स भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं माशी मामलात आप अच्छे जानते हैं आई एम एफ़ अब हम और पाकिस्तान को एक बड़ा आई एम एफ़ प्रोग्राम और एक तवील आई एम एफ प्रोग्राम लेना है डू यू रियली थिंक दैट फाइनली द टाइम हैज़ कम के अब रियल स्टेट वो कहते हैं ना कि जी वो इतनी मुर्गी की माँ कब तक जान बचाएगी अब आपको लगता है कि रियल इस्टेट शिकंजे में आने वाला है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और uh... जितनी हमने तफ्रियाँ करनी थी वो कर ली हैं अब हो क्या रहा है कि अब आपकी इकॉनमी के अंदर वो आ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक गरीब सा घर है ठीक है उसमें दो तीन बच्चे हैं और पेरेंट्स जो है ना शदीद जो है कर्जे के अंदर हैं राइट ठीक है right. अब वो एंड में आके कुछ ऐसी चीजें बच्चों की बेचना है जो बच्चों ने छुपा छुपा के रखी थी ठीक के हम ये किसी को नहीं देंगे दूसरे भाई को नहीं देंगे इसको नहीं देंगे right. तो बोलेंगे बेटा सब कुछ घर चला जाएगा ये निकाल के देगा बे जो है ना वो आ, कस्मा पुरसी में और ना चाहते हुए आपको हर ऐसे क्लास को टैक्स करना पड़ रहा है मतलब इट्स नॉट ऑल ऑफ विलिंगनेस दैट यू आर रियली हैप्पी एंड चलो भाई इसको डॉक्यूमेंट अब कुछ बचा ही नहीं है बिल्कुल ऐसे आपकी कैपेसिटी ही नहीं है अब देखे ना पूरी इकोनॉमी का अगर फिजिकल साइड देख लें तो पूरी इकोनॉमी पिछले छह महीनों में हुआ क्या है इकोनॉमी hmm. को क्राइसिस से बाहर है पॉलिटिकल स्लोगन इकॉनमी को क्राइसिस से निकाला है। है. ठीक है? भाई क्या निकाला है hmm. आपको पैसा देना था right. आपने उठा के आवाम पे टैक्स डाल दिया बेल्कुल. तेल की कीमतें बढ़ा के ले लिए के ले लिए और उनको उधार वापस कर दिया आपका जो टैक्स रेवेन्यू है उसका क्लोज टू नाइनटी नाइन आपका सीधा जा रहा है उधार वापस करने के अंदर तो अब वो हालात हो गए कि अब वो कहते हैं ना एक नापल देते हैं मरता क्या ना करता। मरता क्या ना ना करता करता तो वो स्पॉट ऑन right. ये वही हालात हैं जी।, हाँ जी तो ज़रा थोड़ा सा रियल स्टेट में वैसी खैर ऑलरेडी आजकल कोई रेकमेंड कर भी नहीं है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना और मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि एक बड़ी जबरदस्त प्राइस है जाके इस वक्त ना उठा लो जाके लेकिन जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज या थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट नॉट टॉक अबाउट अच्छा बाकर जब भी इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करते हैं इवन इन द केस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अनफेयर टैक्सेशन जिस इन्वेस्टमेंट में होती है विनो no, वो स्टॉक मार्केट है यानी आप लिटरली हर चीज़ पर टैक्स दे रहे होते हैं डिविडेंड पर भी टैक्स दो आजकल डिविडेंड सीजन भी चल रहा है बड़ी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं बड़े अच्छे डिविडेंड डिविडेंील्ड है इम्प्रूवड इन ऑल पिछले एक डेढ़ साल में कैपिटल गेन शेयर बेचेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है एंड ऑल वही जो रियल स्टेट में आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता था अब तक होपफुली आगे देना पड़ जाए तो स्टॉक मार्केट में वाई डू पीपल फियर आई मीन एक पाकिस्तानी माइंड सेट हम पाकिस्तानी माइंड सेट की बात कर रहे थे हमने क्रिप्टो की बात की हमने रियल स्टेट की बात की स्टॉक मार्केट की बात करते हैं पूरी दुनिया आप देखिए कि स्टॉक मार्केट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इंडिया की अभी हम बात कर रहे हैं जी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फोर पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गई है हॉन्ग कॉन्ग को उसने पीछे छोड़ दिया रुकने का नाम नहीं ले रही है वो स्टॉक मार्केट हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में इतना पीछे क्यों रह गए वेरी वेरी अलार्मिंग फैक्ट के पीछे भी रह गए और एहसास भी नहीं है सो nah. so, दोनों चीज़ें Welcome. तो अगर आप स्टॉक्स एज एन एसड क्लास देखेंट्स अगर जिसके बाद फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक सर्टन स्कीम होती है बैंक in so uh, जो कि इस्लामिक बैंकिंग लेकर आया शरिया कम्प्लाइंट सही है. अब वो पाकिस्तान के सत्तर अस्सी अरब रुपए का रेवेन्यू पोस्ट किया ठीक. लो अडॉप्ट कर लिया राइट दो सौ से जायद कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामिक है hmm. शरिया कम्पलाइंट है उन्हीं रूल्स के मुताबिक उसी बैंक के रूल्स के मुताबिक right. लेकिन बोलो इन्वेस्ट करो hmm. लेकिन नहीं सट्टा है अच्छा चलो ऐसा करो फॉरक्स में कर लो हाँ वो अच्छा है क्रिप्टो कर लो हाँ वो अच्छा है परसेप्शन बेसिक जो है ना वो आ, अगर लेट्स से सी सी पी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव परसेप्शन राइट सो इम्प्रूविंग परसेप्शन शुड बी द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ और जनरली इंडस्ट्री में अगर आप लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री इंडस्ट्री में 20 पच्चीस बड़े ब्रोकर थे बड़े ब्रोकर से मुराद ये कि बड़े से बड़े ब्रोकर के 15 सोलह हजार क्लाइंट्स हैं यहाँ पे जो कि कुछ भी नहीं है ठीक सही है अब, अ, इंडिया में एक मिडिल टेयर का ब्रोकर जो है वो पचास लाख क्लाइंट्स के ऊपर बैठ जाता है जाके कितने ब्रोकरेज हाउसेस ने अवेयरनेस के लिए काम किया है ऐसे कि वो ट्रांजैक्शन ना करवाएं कस्टमर से के दिल से बोलें कि आप ये बच्चे के लिए रखें और एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना लें बच्चों के लिए अच्छा प्रॉब्लम ये कि हर कोई इसको एज अ बिजनेस मॉडल इस तरह लेके पिच करता है कि आप बस अमीर हो जाएंगे ठीक है रातों रात अमीर हो जाएंगे तो जो एजुकेशन ड्रिवेन मार्केटिंग है ना राइट ऑफ द प्रोडक्ट वो नहीं रही है Cheek. दूसरा ये मार्केट ने पिछले पंद्रह बीस सालों में ऐसे क्राइसिस देखे हैं uh -huh. कि लोगों की वेल्थ डूबी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज रहे हैं राइट एस सी उसको अब टैकल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव बना इंप्रूवमेंट लाई जा सके उसके अंदर और दूसरा ये कि ब्रोकेज हाउस की रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव की जा सके दोनों काम हो गए सही अब सिर्फ रह गया परसेप्शन का काम और लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के वहीकल बना के स्टॉक मिलाए नहीं आ सकते तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाए इस मैसेज को आपने कितनी बार देख लिया है अफ्लुएंट क्लास में तीस में पिछले दिनों नॉट नॉट एट ऑल यही सवाल का जवाब है कि पांचवा छठा सबसे बड़ा मुल्क सही और आप एक अच्छी अफ्लुएंट क्लास में बैठे हुए और आपने ये मैसेज नहीं देखा तो आप सोचे कि नीचे वाली टेयर को कितना गया होगा ये मैसेज राइट दूसरी जानेब इंडिया में एक पान के खोखे वाले को पता है किस तरह स्टॉक में अकाउंट खुलवाना है और वो एजेंटशिप लेके बैठा हुआ है सही क्या ठीक है यार आपको क्या लेना इंश्योरेंस देनी ले है स्टॉक में तो ये ले लो ये जल्दी से क्यूआर को टै वो करो अपनी डिटेल्स आपकी डायरेक्ट आ जाएंगी सेंट्रलाइज के हो गई आपका अकाउंट खुल गया तो अवेयरनेस की एक सीरियस लैकिंग है और अवेयरनेस किस तरह दी जाए ये भी दूसरा सवाल है कि हमारा एक तो एक हमारा कॉपोरेट कल्चर है कि अवेयरनेस कैसे होगी सी ई अप्रूव करेगा बजट मार्केटिंग मैनेजर सोचेगा कि देखें कि देखें कोई ऐसी जिसमें मेरी हो जाए right. अच्छा सा होटल बुक करेगा hmm. और अपनी टीम 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 अपने दोस्तों की टीम, दूसरों की इंडस्ट्री के लाएगा बुलाएगा तस्वीरें तीन चार अच्छी बातें करेगा और एक पे अच्छी सी पिक्चर डाल देगा बोलेगा वी ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस काम पिछले पंद्रह साल से हो रहा है ठीक तो हमें अवेयरनेस के बारे में सीरियस होना पड़ेगा बिल्कुल और फोकस करना पड़ेगा लेट से अभी हमने हाल ही में एक 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 प्लान कर रहे हैं एक स्कूल है पाक कराची के अंदर आ, अच्छा स्कूल का नेटवर्क है पाँच छः हजार बच्चे हम उनके अंदर एक एक होते ना रिची रिच रिची रिच टाइप का एक एक प्रोग्राम लेकर आने एक दिन का जिनमें बच्चों को सिमुलेशन कराएंगे स्टॉक्स के अंदर और बैंक अकाउंट उनको खुलवा के दिखाएंगे और बताएंगे कि हाँ आपकी पहला कदम क्या है और अपने माँ बाप से पूछें कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिटर्न रिस्क लेने के बगैर किधर है उनको बताना है आपको तो असाइनमेंट छोटे छोटे हम लोग करके दे रहे हैं यहां से आपको पिक करना पड़ेगा जब आप यहां से कनेक्ट करेंगे तो लोग आगे से ऑर्गेनिकली खुद ही समझना शुरू करेंगे क्या भाई ठीक है अगर आपका ब्रोकर आपको कॉल करके बोलते सर ये ले लें दो दिन के तीन दिन में भाई जान मेरा रिस्क ये है ही नहीं मैं एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के बैठा हुआ था जो कि मैं हर महीने के एंड में करता हूँ आप मुझे तंग नहीं करो जब एक अवाम में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी

आसान अल्फाज में बता सकें एस आई पी क्या होता है जी देखिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते और हर दिन जो है वो अपना दिल ना धड़काएं काम है? करते वक्त मार्केट को देख के यार यहाँ हो गई मार्केट यहाँ हो गया स्टॉक राइट right. तो आप सिस्टमेटिक चलें जिंदगी के बारे में अपनी आपने डिसाइड कर लिया कि लेट से हर मंथ uh, एंड के ऊपर फ्राइडे को सेकेंड हाफ में मैं ये चार पांच स्टॉक्स लूंगा इस इस प्रोपोर्शन में right. और ये काम मैं अगले दो साल तक कर दूंगा करता Great. रहूंगा ताकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की एक बेस बना दूं Cheek. अब अगले दो साल तक अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मैं अपनी बेस प्राइस नीचे आता ले लेता रहूंगा अपने पोर्टफोलियो की और मुझे ये काम रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट करना है कि मार्केट आज कहाँ क्लोज हुई नहीं क्लोज हुई तो आपने एक सिस्टम बना दिया लाउंड यू टॉकिंग अबाउट सिस्टम आपने एक सिस्टम बना दिया मार्केट में अपना कैपिटल डिप्लॉय करने का और आपने एक बेस ईयर बना दिया जब आपकी बेस बन जाए तो आपने कहा ठीक है अब मैं इसको अगले पांच साल तक छोड़ता हूँ और एक दो तीन डिसीजन जो बड़े बड़े डिसीजन अगर चेंज हुए तभी चेंज करूंगा अदरवाइज नहीं करूंगा right. तो आपने लॉन्ग टर्म का फायदा उठाया गिरती हुई मार्केट में बेस बनाई एंड यू सेट योर सेल्फ अप फॉर अ सुपीरियर रिटर्न दैट कैन बीट द इनफ्लेशन अब ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना हमें अपनी आवाम को दिखाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि आप hmm. इस तरह करें सही so, Uh, मैं बल्कि अभी एस आई बी की इन्होंने बात की मैंने अभी uh, अपने कुछ कज़न मुझे एक बल्कि इस वक्त कज़न मेरे जहन में आ रहे हैं जिनको मैंने uh, पिछले साल इन्वेस्टमेंट में लगाया था बहुत शायद दो लाख रुपये खासकर के बाद इन्वेस्ट करने के लिए तो मैंने कहा यार ये दो शेयर्स लो और उस पर लगा दो पैसे एंड माशाल्लाह वो कैपिटल गेन तो अपनी जगह लेकिन दोनों शेयर्स ने बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया तो इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यार वो पैसे मेरे पड़े रहते हैं या मैं पता नहीं क्या करता उनका आई डोंट नो आ, लेकिन उस पर जो है वो एक रिटर्न आया और एक और गोल्डन रूल जिन्होंने एस आई बताया कीप इट एज अ गोल्डन रूल मैं हमेशा वो एक आ, मुझे नहीं पता था कि वॉरेन बफेट अपनी जिंदगी में ये बात बोल के चले गए लेकिन मैं जब भी इन्वेस्टमेंट से बात करता हूँ मैं लोगों को यही बोलता हूँ दिस शुड बी योर सेविंग शुड बी द फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ यानी बाकी सारे खर्चे तुम्हारी ग्रोसरी बिजली का बिल गैस का बिल ये सब पेट्रोल का खर्चा ये बाद में आएगा जितनी सेविंग आपको करनी सबसे पहले वो साइड पर निकाल के रख दें तो मैं अभी जब बाकर की बातें सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ी अपनी थाट्स की एक रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ रही है समथिंग टेलिंग पीपल फॉर अ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक और बात भी है बकर देखें स्टॉक मार्केट में बहुत मदोज़ आए और ऊपर नीचे सारा सिलसिला रहा लेकिन फिर भी आई थिंक पाकिस्तान में और आप शायद हम उससे करेंगे कि कोई दस पंद्रह बहुत सॉलिड कंपनियाँ हैं कि आपने अगर अर्ली टू थाउजेंड्स में उनमें इन्वेस्ट कर दिया हो उनके डिविडेंड्स भी आते रहते हैं जिसको आप चाहें तो री इन्वेस्ट कर दें एंड ऑल आई डोंट थिंक एनी इन्वेस्टमेंट कैन बीट दो इन्वेस्टमेंट जो आपसे आपने शायद बीस साल पहले कर दी और डू यू अग्री विद डैट कि इतनी मार्केट वोटिलिटी और इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ कंपनियाँ हैं पाकिस्तान में जिसमें आप आँखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं आई अग्री उसका प्राइमरली रीज़न ये कि आपने अभी बहुत आसान उर्दू ज़बान में ये बोला कि अगर आप ने 20 साल पहले एक सिस्टम बनाया था right. जिसके तहत आपने अच्छे फंडामेंटल्स मुरा दिए कि वो कंपनी जो कि अच्छा कमाती हैं उनके सटन इशारे बेहतर हैं right. उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो उनके आने वाली आमदनी ही उन स्टॉक्स को फ्री कर चुकी होती पहले दस साल के अंदर True. और अब आपको बस फ्री में एक पैसे इनकम मिलती रहती मिलती रहती मिलती रहती आप सुकून में आते तो right. so, yeah. ये टॉक अबाउट अस्टम क्या ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग आवाम को कौन बताए और कौन hmm. सिखाए सो द क्वेश्चन इज कि भाई कौन बताए ठीक कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग करें अपनी जिंदगी को सीरियसली लें ठीक अपने फाइनेंसिस को सीरियसली लें ताकि आप एक तो मेंटल पेन से भी बचें फाइनेंशियल hmm. पेन से भी बचें और अपने आसपास के लोगों को भी इससे बचाएं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर सही से काम नहीं हुआ राइट दैट इज दैट इज इट्स ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी बाय द वे अब लेट्स से यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स प्राइमरली अब तक 20 से 25 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं प्राइमेरली अब तक उनका पोर्टफोलियो उठा के देखें प्राइमरली कंसंट्रेटेड है कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स के ऊपर वो इसलिए कि वो कहते हैं कि हम बिग बिग टिकट साइज है हम उसमें मेहनत करेंगे उनको लेकर आएंगे हमारे जो है ना एक्सपेंसिस अलाउ नहीं करते हैं नहीं। लेकिन उनकी एक एसोसिएशन भी है मुफाप उनके थ्रू आप बेसिक म्यूचुअल फंड एजुकेशन की कोई आपने कैंपेन देखी ऐसी जो मीनिंगफुल हो आई डोट रिकॉल इंडिया में आपने देखी म्यूचुअल फंड बेहतर है कुछ करके कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इन्वाइट किया और टॉप के एक्टर्स को इन्वाइट किया सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि भाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग कर लो म्यूचुअल फंड इज द गेम किसी भी कंपनी का नाम नहीं आप अगर सब पैसे मिलाएं और आप इनकी किटी देखें तो इट विल रीच क्लोज टू तो अ बिलियन रुपीज बट डू दे हैव दैट कारेज टू मूव फॉरवर्ड एंड डू दिस अगर आप कॉर्पोरेट रूम्स में बैठ के और सेमिनार्स में बैठ के ए सी चला के प्रॉन्स खा के सिर्फ ये बताएंगे कि म्यूचुअल फंड इज अ गुड एसेट क्लास उसमें रिटर्न अच्छे होते हैं एंड आई थिंक वी शुड शुड पीपल इन्वेस्ट इन लोग नहीं करेंगे इन्वेस्ट नहीं। आपको अपना नैरेटिव तो बिल्ड करना होगा आप स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग करनी, या। करनी या। होगी अगर आप नहीं करेंगे तो आप पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ को जेपटाइज करें पांच लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड पूरे पाकिस्तान में अभी इस इलाके को देखें पच्चीस गलियां इधर जाए पच्चीस गलिया उधर जाए गए भाई पांच लाख जहाँ hmm. बैठे हुए इधर पच्चीस गलिया इधर पच्चीस गलिया बिल्कुल एंड वी आर लाइक फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड मिडिल क्लास पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन मीडियम एज टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स ट्वेंटी पॉइंट सिक्स ईयर ठीक कहाँ बैठे हुए सोच रू सोच देखें जी तो एक और गोल्डन प्रिंसिपल याद रखना है कि जिसको थॉट को जो है वो अग्री भी किया है स्टॉक मार्केट में देर आर समरफुल अमेजिंग पाकिस्तानी कंपनीज

कोशिश कर रहा है और इंस्टीट्यूशंस को बोल रहा है कि आप भाई कोई नंबर तो दिखाएं राइट right. आप इन्वेस्टर बेस बढ़ाने के जब तक नंबर नहीं दिखाएंगे तो हम कब तक कॉस्मेटिक कैंपेन्स करते रहेंगे नाउ एस सी पी इज एडेमेंट नए बिजनेस मॉडल्स को फरोग दिया अभी रिसेंटली आपने देखा कि पिछले दो साल में जो सेंड बॉक्स प्रोग्राम लेकर आए हैं अब वो तो परमानेंट कर दिया उन्होंने कि जब भी चाहे आप नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करें रियल एस्टेट में आप फ्रैक्शलाइजेशन कर सकते हैं रोबो एडवाइजरी आप कर सकते हैं रियल टाइम इन्वेस्टिंग ऑनलाइन सब चीजें आ गई के सेंट्रलाइज के सब कुछ आ गया है राइट अब सिर्फ नैरेटिव सही कर लें आसान उर्दू जबान में कॉम तक लेके चले जाएं। बिल्कुल आपने अभी ये रियल स्टेट की जो आपने एग्जांपल दी कि उसको फ्रैक्शनलाइज कर सकते हैं आप ऑल आई थिंक अभी रिसेंटली एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था एंड दे वांटेड कि मुझे वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे आई आई हैड हर्ड अबाउट रीट बट रीट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर लेकिन ये जो फ्रैक्शनलाइजेशन है रियल स्टेट की बाकी ज़रा हमारे बहुत सारे लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होकर थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल सकें प्लीज़ देखिए पहले तो फ्रैक्शनलाइजेशन uh, को देख लेते हैं

और हिस्टोरिकली ओवर द पास ट्वेंटी ईयर्स टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ डी एच से ठीक है अब आपके लिए किस तरीके से इस सत्रह अट्ठारह फीसद रिटर्न को मुमकिन बनाया जा सके पाँच हज़ार से okay. तो अब सवाल ये है कि क्या मैं इस एसिड क्लास क्योंकि जब एज एन एसिड पूरा ग्रो करेगा उसकी प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसके फ्रैक्शन या टुकड़ों की कीमत भी बढ़ेगी बिल्कुल ऐसी। उसी परसेंटेज से बढ़ेगी तो अगर मैं फ्रेशनलाइज कर दूं रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी राइट्स को और उसको ब्लॉकचेन पे ले जाऊं और उसको यूनिट बना दूं और आप उस यूनिट को खरीद सकें और आप अपना प्रॉपर्टी का उस हिस्से का क्लेम डाल सकें अप टू अ सर्टेन एक्सटेंड तो वो आपके लिए उस प्रॉपर्टी का फ्रैक्शन अफोर्डेबल हो गया एक ऐसी एसेट क्लास अफोर्डेबल हो गई कि जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न से फायदा उठा सकते हैं ठीक है और अर्ली स्टेज में कर सकते हैं सही जबकि रीड में स्टेज की इन्वेस्टिंग है स्टॉक मार्केट तो, खुदने वाली उसी इन्वेस्ट कर जहां सो एक और सवाल आपने पूछा था ना रियल एस्टेट बिल्डर्स एबनॉर्मल रिटर्न कमाते हैं रियल एस्टेट में दैट्स व्हाई दे लव इट बिकॉज वो एक जमीन आपकी भी आपकी जमीन देखी उन्होंने आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ठीक है मैं अपनी जमीन तुम्हें दे देता हूं और दो महीने के बाद पेमेंट कर लेना क्योंकि आई एग्री टू दैट अगले दिन वो ढाबा लगा के उस जमीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा करके दस बिल्डिंग का उसके ऊपर वाला फ्लोर जो है ना जितनी आपकी जमीन की कीमत थी उससे ऊपर बेच रहे होंगे सही बेच रहे होंगे हवा में वो कहते ना हम लतीफा सुनते थे कि आप अब मम्मी मम्मी हमारा घर बेटा आपका घर नक्शे में सही तो नक्शे में पूरा फ्लैट निकल जाएगा तो उसने उस एसेट को रियलाइज फाइनल वैल्यू पे लिया उसके फ्रैक्शन बढ़ाए फ्लैट छोटे टुकड़ों में तोड़ा फ्लैट और बेच दिया तो अब नॉर्मल रिटर्न उसने वहां से कमाया गेटिंग पॉइंट आपने उससे जमीन ली कुछ नहीं इन्वेस्ट किया अभी जब लोग अपनी किस्तें देना शुरू करेंगे तो उन्हीं किस्तों से वो घर बनाएगा right. पैसा अपना नहीं बि मिस्त्री अपने सही। पैसा जो बुकिंग कर रहे हैं उनका इनिशियल कमिटमेंट आपसे और पहली जो मिस्त्री है पे पहली पेमेंट आपको उधर से करेगा दूसरा ये okay. वो भी लोन लेके आपको पेमेंट कर देगा रिटर्न so, आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं hmm. कि कि अगर वो वो यही बोले मेरे साथ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेज में आ मैंने आसानी से बिल्कुल ये नहीं आप, हर कोई बंदा तो चार पांच करोड़ नहीं इन्वेस्ट कर सकता लेकिन अगर आपको रिटर्न चाहिए देखिए आप अपना प्लॉट या अपना घर नहीं बना रहे लेकिन आप उसमें शराकत दारी कर रहे हैं एक तरह के आप शेयर होल्डर टाइप बन जाते हैं ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट या ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट वाला तो ये एक और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो ऑफकोर्स आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आ, बाकर अब एक और जो चीज़ आती है हमारे जहन में वो हमारा एक ऑब्सेशन और भी पाकिस्तानियों में और वो है डॉलर में इन्वेस्ट करना बदकस्मती की बात है पाकिस्तानी करेंसी वीक है इकानमी के जो हालात चले हैं पिछले आ, एक तो हमारे यहाँ एक ऑब्सेशन है कि करेंसी की वैल्यू को फेक एक्सचेंज रेट में मैनेज करना है। एक हमारे फाइनेंस पता है खास शोरत रखते हैं फेक एक्सचेंज रेट पे सौ रुपए तक मैंने और वो उसको, की बात है यार। उसको अपनी अचीवमेंट मानते हैं छह अरब डॉलर फूकते हैं हाँ जी वो छह अरब डॉलर फूक दिए उन्होंने सौ रुपए पे रुपए को ये तो ख्याल है एक एस्टिमेट वी डोंट इज दैट एग्जैक्ट अमाउंट लेकिन वॉट ने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट को एक बहुत स्मार्ट uh, मूव समझते हैं वट इज़ योर टेक ऑन फॉरन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट देखिए बहुत सारे लोग आ, अगर किसी एक क्लास को स्मार्ट समझते हैं और उसको रिटर्न भी दिया है right. तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेटमेंट इज यस मस्ट बी सम लॉजिक नाउ लेट्स सी व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट अगर एक इकोनमी अपना कंपैरेटिव एडवांटेज लूज करती चली जा रही है और डेट बढ़ता चला जा रहा है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली और वो टैक्स भी कर रही है और टैक्स में जो पैसा आ रहा है उससे उधार वापस करने पे ही आ, बमुश्किल उसके ऊपर इसकाबिल हो रही है नहीं बल्कि सूद सूद उसका सूद चारे उसका वापस डेट सर्विसिंग प्लस प्रिंसिपल right. तो वो बहुत ही बमुश्किल हो रही है तो एक चीज तो गिवन है कि इसका कंपेरिटिव एडवांटेज वीक हो रहा है right. और डॉलर की आमद कम है बिकॉज सेल कुछ नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल मार्केट में और उसकी फ्लाइट ज्यादा है बिकॉज आप कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑयल इंपोर्ट बिल जो कि आपकी क्योंकि कंज्यूमर क्लास बड़ी है और आप आप की बड़ी पॉपुलेशन है तो इंपोर्टेड आप ऑयल आपको एक बड़ी कैटेगरी है तो भाई सिंपल सी लॉजिक है बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स सही डॉलर जा ज्यादा रहा है आपके मुल्क से आ कम रहा है तो जो चीज जो आपके मुल्क में कहत पड़ेगा वो पड़ेगा फॉरेन करेंसी का ठीक है तो आपके पास दो ऑप्शन है इधर कंपेरेटिव एडवांटेज बिल्ड कर लें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें दुनिया को ज्यादा बेचें सो आपकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉ हो दूसरा आपका ये कि आपने अकाउंट्स स्ट्रांग करें अपने कंट्रोल्स स्ट्रांग करें और ये जो स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड हो रहा है इस पे काबू पाएं ताकि ग्रे मार्केट खत्म हो प्लस लॉन्ग टर्म में कंपेरेटिव एडवांटेज अपनी प्रोडक्टिविटी का फैक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो भाई सिंपल इक्वेशन है अगर आप और मैं बैठे हुए मैं आपको बोलूँ अगले लट से अगले तीन साल में अगर ये इनस्टेबिलिटी रहे वे डू यू सी डॉलर डॉलर ऊपर ही जाना है और, लट से अंदाजा जस्ट वाइल्ड फोर हंड्रेड या फोर हंड्रेड अगर आपने इसको इस इस अनसर्टनिटी को थोड़ा सा भी बढ़ाया ना पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ गया फोर हंड्रेड क्योंकि आपके कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं आप बेच नहीं सक रहे कुछ क्योंकि दू, दूसरी जगह वो क्या क्या इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है आपसे कोई अगर पाँच सौ मिलियन डॉलर का सामान लेता है दुनिया में और आपकी इकोनॉमी में ये मुश्किल देखेगा तो वो क्या आप होते तो क्या करते मैं कहता कि और और निचोड़ो इसको और जितना कम एक कर तो, निचोड़ो, तो, आप कर जाएंगे। तो जितनी आप इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लाएंगे उतना ही आपके करेंसी और कंट्री का रिस्क बढ़ेगा बिल्कुल जब ये दोनों चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी और अगर यहाँ पे कोई बैठ के ये चीज नोट कर रहा है और देख रहा है कि अरबाब अख्तियार इस पे काम नहीं कर रहे और वो डॉलर थोड़े से लेके बैठ जाता है तो भाई उसने लॉजिकली क्या गलत किया मेरा सवाल आपसे देखो यार लॉजिकली स्पीकिंग तो उसने गलत काम नहीं किया लेकिन आप एथिकली अगर बात करें तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे मौके पे डॉलर को अपने क्योंकि तो देखें फिर डॉलर आप अपने अकाउंट में भी नहीं डाल रहे ना डॉलर तो आप अपनी तिजोरी में रख रहे हैं डोंट यू थिंक ये ज़ख़ीरांदोजी या होर्डिंग में आ जाता है तो so आपने डॉलर को अकाउंट में रखने के लिए उसको ट्रस्ट दिए है कि आप अकाउंट में रखें हम आपको डॉलर अकाउंट चीज नहीं करेंगे नहीं। आप ट्रस्ट दे दें अकाउंट में दे मैं अगर फर्ज करें कि मार्केट से मैं आटा शॉर्ट कर देता हूँ और मैं आके अपना गोदाम भर देता हूँ तो हमारे कुछ सर्टन एथिकल कंसड्रेशन तो होने चाहिए डोंट यू थिंक देखो मैं कोई मैं आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहा मैं 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 मेरे मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं आप माशाला नॉलेजेबल आदमी है लेकिन आपको आटे की होर्डिंग में जख़ीराज़ी और डॉलर की जखीरा so hmm. 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 right. जिसका, जिसका को बर रखू ताकि अगले दो साल में अगर मेडिकल एक्सपेंस हो hmm. तो मैं जब जाऊँ उसको बेचू तो मैं कम से कम उतने रुपए तो ले लू अच्छा कम अज कम उतने रुपए अबाउट होल्डर्स होर्डर्स का तो गेम प्लान ही अलग है उनको तो आप पकड़े उनको उनको क्रैक डाउन करें वहां से डॉलर निकलवाएं बट एंड नाउ यू ऑल्सो अग्रीड के लॉजिकली बात नहीं कर रहे हैं hmm. तो अब अगर लॉजिक की बात कर रहे हैं तो और रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर अगर लॉजिकली एक डिसीजन ले रहा है और आपको पॉलिसी लेवल पे उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना है hmm. तो आपको वही फैक्टर हिलाने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसने वो डिसीजन लिया है सिंपल ए बी सी डी सिंपल आंसर आपको मिल गया तो आपको एज अ कंट्री एज अ पॉलिसी मेकर उन फैक्टर को दुरुस्त करना है

शॉबसमिल्ला बिल्कुल रखो मेक इट अ पार्ट या कीप इट एज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन बिकॉज आपको पता है कि जब करेंसी अकाउंट में होती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का आपने अभी नाम लिया दैट रियली वर्क ऑन दैट नॉट एक्जैक्टली ऑन द फॉरन एक्सचेंज लेकिन एटलीस्ट दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ द गमेंट बट येस आई थिंक बाकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये कि फिक्स द ब्लाडी इकानोमी यार इकानमी फिक्स करो जब तक इकानमी फिक्स नहीं करोगे लोगों में इस तरफ मैं क्या एथिक्स लेके बैठ गया यार यहाँ पे एथिक्स हैं काम सड़क पर चढ़ते हुए थूक देते हैं और लेन चेंज कर देते हैं इंडिकेटर भी नहीं देते तो फिर ये तो मैं बहुत ही आइडियलिस्टिक दुनिया की जो है बातें कर रहा हूँ अब आकर आई मीन ऑनेस्टली टाइम कैसे गुजरा मुझे वाकई पता नहीं चला सो so, हम जरा बिल्कुल अख्ताम की जानब अब बाढ़ हैं सो वॉट एडवाइस वुड यू गिव आई मीन जिस एक बंदे ने जो आपकी अब तक तकरीबन तक तक कोई पचास मिनट की ये गुफ्तु जो हमारी पैंतालीस मिनट की गुफ्तु अभी हुई है उसने ये गुफ्तु सुनी उसको इंटरेस्ट पैदा हुआ आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट मैं इस बारे में सीखना चाहता हूँ उनको क्या एडवाइस देंगे और आपका अपना भी प्लेटफॉर्म है उस तक कोई अगर अप्रोच करना चाहे तो हाउ वुड पीपल रीच यू बहुत बहुत शुक्रिया इट वॉज वंडरफुल ये भी टाइम टाइम ग्रेट आई थिंक जो जिंदगी में मैंने जो गलतियाँ की हैं ना मैं उसको तोड़ के उसके की लेसन आपको बताता हूँ ठीक बिल्कुल कोर जो है अगर तो आप यंग हैं राइट right. से आप दस साल से लेके तीस साल तक हैं यू रियली लाइक इन एज के जब आप बहुत ही नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं दस साल से बीस साल की एज में वो चीज़ें जब माँ बाप का इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर तो माँ बाप को चाहिए कि आपको जो है वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएँ hmm. उस पर इन्वेस्ट करें जिनकी मुस्तबिल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको मुस्तबिल के लिए तैयार कर दें नंबर वन दिस इज फॉर पेरेंट्स कि अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं जो उन्हें मुस्कबिल के लिए तैयार करें लेट्स से उनको प्रोग्रामिंग सिखाएं, सिखाएं, सिखाएं उनको मैथमेटिक्स सिखाएं उनको नई टेक्नोलॉजी सिखाएं उनको रोबोटिक्स सिखाएं ये सब्जेक्ट्स उनके लर्निंग का पार्ट होने चाहिए हर सूरत अगर आपके बच्चे को इंटरनेशनली कंपेटिव होना है ठीक अब आप अर्निंग एज में आ गए एक बात मैं आपको बता दूं अगले तीन चार पांच साल दे आर गोइंग टू बी टफ टफ दे दे हैव ऑलवेज बीन विल रिमेन टफ ठीक आप अगर मिडिल क्लास से आपके पास क्या एक ऐसा हथियार है जिससे आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं और अपने आप को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं और रिच माइंडसेट में लेकर आ सकते हैं राइट वो है अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करना अपनी स्किल बिल्ड करें खुद टाइम लगाएं हर दिन कुछ एलोकेट करें डेढ़ से दो घंटे स्किल बिल्ड करें स्किल नहीं बिल्ड करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव तो स्किल बिल्डिंग इज अ कोर थिंग यू आर यंग वन इट कम्स टू द फाइनेंशियल डिसीजन तो अपनी एज और रिस्क के हिसाब से पहले छोटे छोटे फैसले लेके सीखें राइट right. अब द कोर पॉइंट इज सीखें उसको लेके हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे mm -hmm. हम आपको बेसिक विजम बता रहे हैं कि आपको ये जरूरी है करना अब ये कॉम ये जनरेशन जी है जो दो, दो हजार के बाद पैदा हुई है ये एक एक तरह के जो ना ऑटो मोड पे चल रही है ये नहीं। जनरेशन है फुल ऑटोमेटिक चल रही है जनरेशन ठीक है तो वी हैव हाँ टू तो बी वेरी केयरफुल विद देम कि उनको ऑटो मोड पे किसी गलत रोड पे ना लेके चले जाए तो वी हैव टू मेक श्योर कि उनको ये कोर स्किल्स नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स सिखाएं अगर उनकी एनर्जी है तो सही डायरेक्शन में लगाएं माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट है और वेन यू यंग आप जॉब कर रहे हैं फोकस करें अपनी स्किल डेवलपमेंट बिकॉज पाकिस्तान में अगेन

उसके साथ एक स्कॉलरशिप अनाउंस कर देंगे आपके पॉडकास्ट के साथ ताकि आपको right. दो महीने फ्री मिलें और आप right. पाँच कोर्सेज फ्री में कर सकें तो प्रोवाइड द कूपन डिटेल्स दिस पॉडकास्ट ताकि आप कुछ बेसिक कोर्सेज फ्री में करें और देखें कि एक्सप्लोर करें कि क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपका एक मनी माइंडसेट बेहतर होना बिल्कुल दैट इज़ दैट इज सो ये इतना नोबल काम है मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि और ख़ुशी भी होती है अगर आप किसी को एक रास्ता दिखाते हैं हमारे यहाँ जनरली वेस्ट तो खैर बहुत आगे इन चीज़ों में निकल गया वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड फायर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली यानी जो शुरू से बचपन से सेव कर रहे होते हैं वो लोग पैंतालीस छियालीस साल की उम्र में रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं हमारे यहाँ तो ये यह है कि जी पैंसठ साल तक काम करूँगा मैं बिकॉज़ काम करना छोड़ दूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा yes. लेकिन बहरहाल जी माशा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाकर एंड अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपका जो ये स्टार्टअप है ये बहुत बड़ा बने और लाखों करोड़ों जिंदियां बदले आप बिफोर वी साइन ऑफ आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू स्टार्टअप पाकिस्तान बिग फैन ऑफ दिस कंपनी एंड द वे यू आर डूइंग दिस वर्क इट्स अमेजिंग सो अगर पिछले पाँच साल में कोई अगर ऑनलाइन डिस्क्लोजर एक बड़ा है और स्टार्टअप स्टार्टअप सात साल पहले स्टार्टअप नहीं कोई जानता था एंड एंड यू इट अप फोकस्ड ऑन दैट सो आई एम आल्सो अ बिग फैन ऑफ दिस दिस कंपनी एंड द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है स्टार्टअप पाकिस्तान से आपको एक लेसन सीखना है फोकस hmm. फोकस एक चीज पे किया और करते चले गए करते चले गए तीन चार साल एंड वेयर दे आर हेयर ग्रेट थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया इट वॉज ग्रेट लर्निंग टूडे और वाकई कहीं ना कहीं अगर अगर आपके जहन में आपके दिमाग में दिल में कहीं पर भी एक हल्की सी एक लाइट भी रोशन हो गई मैं कोई बड़े 500 सौ वार्ड के बल्ब की बात नहीं कर रहा लेकिन अगर कोई पाँच वार्ड की बॉल लाइट भी जो है ना वो अगर रोशन हो गई है अबाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट जैसे कि बाकर ने कहा गो स्टडी अबाउट इट अपना स्किल सेट इम्प्रूव कीजिए इन चीज़ों के हवाले से रिमेंबर इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल ये कोई हार्ड साइंस नहीं है ये एक सॉफ्ट स्किल है जिस तरह आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं खाना पीना कांटे से खाना सीख सकते हैं इसी तरह सेविंग्स भी सीख सकते हैं इसके लिए कोई उन्होंने कहा कि चार्टड अकाउंटेंट्स को भी कुछ नहीं पता इस चीज़ का सबसे मुश्किल डिग्री होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की उन्हें भी मतलब कम पता है, है कम पता है उन्हें कम पता है ज़्यादातर वह बहुत सौ को मैं जानता हूँ उन्हें नहीं पता मैं पताली बता रहा हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग इनशाला एक और पॉडकास्ट के साथ अदील अजर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़